एक्सरसाइज 1.4 में एक प्रमेय आती है, प्रमेय 1.6 जो कहती है कि मान लीजिए x बराबर p बटा q, x एक परिमेय संख्या है p बटा q, जिसमें कि q जो है 2^n 5^m के रूप का है। इसका मतलब ये है कि q सिर्फ 2 और 5 का गुणज है, यानी q सिर्फ 2 और 5 के पहाड़े में ही आता है, q के गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। यदि कभी ऐसा हो किसी परिमेय संख्या में जो उसके नीचे हर लिखी है, जो उसके नीचे हर लिखी है, ये ऐसी हो जिसके अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही है, यानी कोई भी संख्या जिसके यहाँ अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 और 5 ही आए, इसके अलावा कुछ ना आए, ऐसी संख्याओं को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो वो 7 दशमलव होंगी। और यदि यहाँ पर 2 या 5 के अलावा कुछ भी और आया, 3, 7, 11, तो वह अशांत आवर्ती संख्या, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखिए 7/10। यदि हम 10 का दशमलव प्रसार, 10 के अभाज्य गुणनखंडन देखें, तो ये होगा 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। तो यहां कितना आया, 2 × 5। तो देखो 10 को मैंने लिखा है, 7 को 7 ही लिखा है, नीचे है 2 × 5। इसका मतलब है 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। यदि हम इससे मिलाएं 2 की पावर n, 5 की पावर m, तो n बन गया 1 और 5 m भी बन गया 1। तो ये जो है ये 2^n और 5^m के रूप में है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह 7 दशमलव होगा। इसी प्रकार से है 3/20। इसको 20 को यदि हम अभाज्य गुणनखंडन देखें तो वो होगा 2 × 4, 4 × 5 = 20, 2 × 2 = 5। इसमें यदि आप देखें तो ये है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो ये भी 2^n और 5^m के रूप का है, इसलिए इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 7। अगला है 9/18। 18 का दशमलव अभाज्य गुणनखंडन होगा 2 × 3 × 3, 3 × 9 = 18। यहां हम देखते हैं 2 का मतलब है 2 की पावर 1 और 3 × 3 का मतलब 3 की पावर 2। अब यहां ये 2^n और 5^m नहीं बना, 5 की जगह आ गया है 3, है ना। तो इसका मतलब इसका जो इस संख्या का 9/18 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 7 नहीं होगा, वो होगा अशांत आवर्ती, ठीक है, वो होगा अशांत आवर्ती। इसी प्रकार से है 5/12। 12 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो है 2 × 2 × 3, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, इसलिए यहां भी 5 की जगह 3 आ गया है, इसलिए ये भी होगा अशांत आवर्ती। आगे है 13/8, यानी 2 × 2, 2 की पावर 3। यहां 5 नहीं है, अगर नहीं है इसका मतलब है 5 की पावर 0, अगर नहीं है 5 इसका मतलब है 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 होती है 1। तो ये भी 2 की पावर m और 5 की पावर n बन गया, जहां पे n हो गया 0, इसलिए यह है 7 दशमलव। इसी प्रकार से आगे हम देखें 11/25। 25 होता है 5 की पावर 2, यहां अब 2 नहीं है, यदि नहीं है तो इसका मतलब है 2 की पावर 0, तो यह भी होगा 7 दशमलव। ये बच्चों समझने की बात है कि यदि किसी भी परिमेय संख्या में जो हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की है, तो x का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। थैंक यू।